इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे रोम टीटीएन के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 1 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 1 आरसी और दोस्तों सीएस टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 12:45 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। एक ऐसी टीम जो दोस्तों टूर्नामेंट में 2 के 2 मैच विन करके आ रही है और एक ऐसी टीम है जो दोस्तों टूर्नामेंट में 1 मैच खेली और बड़ी बुरी तरह से दोस्तों आ रही है, बोले तो बहुत बुरी तरह से, बिकॉज दोस्तों टीम ही बहुत कमजोर यार, मात्र 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। और इस मैच में भी दोस्तों मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये टीम दोस्तों फिर से 30 रन और 31-32 रन के अंदर ऑल आउट हो जाए, क्योंकि आरसी के टीम का जो बॉलिंग है और दोस्तों सीएस टीम का जो बैटिंग है उसमें दोस्तों जमीन और आसमान का अंतर है, इतना ज्यादा अंतर है दोस्तों। तो इस मैच में देखो आप जितना भी टीम बनाओ प्लीज कोशिश करना ना 100% टीम आप आरसी टीम को ही फेवर करके बनाना, सीएस टीम को मत बनाना, क्योंकि सीएस के दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना, 90% प्लेयर तो ऐसे जो दोस्तों टीटीएन ना खेले ही नहीं है और टी20 भी दोस्तों बहुत ही कम खेले, बहुत कम मैच खेले हैं। इनके 1 से 2 प्लेयर ही आपको गिने चुने ऐसे मिलेंगे जिन पर आप विश्वास रख सकते हो कि आपको मैक्सिमम 20 से 30 फैंटेसी पॉइंट दे दे, ठीक ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जितना भी टीम बनाओ आरसी टीम को ही फेवर करके बनाना। और इस मैच में ध्यान रखना दोस्तों आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो ग्रैंड लीग में रैंक 1 ला के, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखो इस मैच में बढ़िया बेस्ट चांस है कि आप ग्रैंड लीग में रैंक 1 ले आओ। हाँ मुझे मालूम है कि दोस्तों आप सिर्फ अकेले ग्रैंड लीग 1 नहीं लाओगे, आप जितना भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाओगे दोस्तों आपके साथ एटलीस्ट 1000 मेंबर जरूर इस मैच में ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाएंगे, क्योंकि इस मैच में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी दोस्तों डिपेंड करता है ना वो दोस्तों आपका डिपेंड करता है कैप्टन और दोस्तों वाइस कैप्टन पे। ग्रैंड लीग में आप किस पे रिक्स ले सकते हो, कैप्टन बीसी पे जो अच्छा प्लेयर हो, ऐसे नहीं कि किसी पे भी ले ले, अच्छा प्लेयर हो जिन पे आप थोड़ा सा डिफरेंट जा सकते हो। स्मॉल लीग में क्या कम्बिनेशन होगा वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। यदि उस कम्बिनेशन में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो फाइनल टीम में आपको फिर से टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हम लोग आरसी और दोस्तों सीएस के मैच में कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम प्लीज नहीं देना, बर्बाद मत करना टाइम, सिंपली आप क्या करना है एल जयराजा को टीम में रख लेना, क्योंकि इस मैच में दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से प्लीज आप किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिएगा, कोई भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक ना। मैं एल जयराजा को वो भी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अच्छा विकेट कीपर है, कैच और स्टॉम्पिंग से आपको पॉइंट देगा, ठीक ना, क्योंकि इनकी टीम स्ट्रांग है, इनका बॉलिंग स्ट्रांग है, तो इनको कैच आएगा ही आएगा। अब नीचे दोस्तों अदर जितने भी ऑप्शन है कुछ खास नहीं है, तो टाइम क्यों बर्बाद करना। अब बात करें हम लोग दोस्तों बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन से आप क्या करना, एन सुभाष इंगे को सबसे पहले आप पिक कर लेना, इनका सिलेक्शन भी हाई है और सभी टीम में होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए दोस्तों, तो आपको 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे, साथ ही साथ आपको 2 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, डेट मीन्स एक ऑलराउंडर प्लेयर है, डेट्स वाई। अब देखो नीचे जितने भी ऑप्शन है ना, सच बताऊं दोस्तों किसी को आपको पिक नहीं करना है, बट आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहाँ पे दोस्तों 3 बैट्समैन रखना कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन को तो पिक करना पड़ेगा ना, आप एक के साथ तो ऐसे ही जाओगे नहीं। तो उस 2 ऑप्शन में दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि नीचे से दोस्तों जो भी प्ले करे ना, जो भी प्ले करे उसको आप आँख बंद करके रख लेना, मान के चलो दोस्तों राघवन और डीएन ब्राक खेलता है, आप ये दोनों को रख लेना, क्योंकि किसी का भी दोस्तों बेस्ट रिकॉर्ड नहीं है कि मैं आपको बोलूँ यार इसको रख लो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, किसी का भी बेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, बस सिंपली आपको सुभाष सिंगे को रखना है और 2 जिसको चाहो आप उसको रख सकते हो, ठीक ना। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बी खान को आपको टीम में जरूर ट्राई करना है, इस मैच के बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप कैप्टन कर सकते हो, 2 ओवर आपको बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग दोस्तों नहीं करेंगे, ठीक ना, लेकिन बॉलिंग से ही आपको इतना पॉइंट दे देंगे कि आपको बैटिंग से सोचना नहीं है।
फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको एच मधुसंघा का ऑप्शन मिलेगा जो आपको दो ओवर डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको तीन नंबर पे आके बैटिंग बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों डेथ में बॉलिंग करते हैं, प्लीज़ मत हटाना, सिलेक्शन भी हाई है और आपको लेके भी जाना है। कलूवाला दोस्तों आपको ओपन बैटिंग करने आएंगे, साथ ही साथ दो ओवर बॉलिंग करेंगे। इस मैच के एक बेस्ट ऑप्शन भी है कैप्टन बीसी के लिए, जिनको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ओपन बैटिंग कर रहे हैं और दो ओवर कंप्लीट आपको बॉलिंग भी करके दे रहा है। फिर नीचे दोस्तों आपको ई गुलाम का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों कालू वाले के साथ आपको ओपन बैटिंग करने आएंगे। गुलाम ने दोस्तों कल दो मैच खेला था और दोनों मैच में बढ़िया दिखे थे, स्पेशली लास्ट मैच में तो 30 प्लस स्कोर भी किए थे। ए हमजा दोस्तों आपको दो ओवर स्पिन बॉलिंग करके देगा, बैटिंग दोस्तों नहीं करने आते और ऐसे भी बैटिंग कुछ खास करते भी नहीं है, बट एज अ बॉलर दोस्तों आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, ओके। फिर नीचे दोस्तों आपको डी कैबरी का ऑप्शन मिलेगा। यदि दोस्तों देखो आरसी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो मैं इनको रख लूंगा अपने टीम में, ठीक ना, लेकिन बैटिंग सेकेंड में मैं भी ड्रॉप कर दूं क्योंकि मे भी इनका हो सके तो बैटिंग से चांस ना आए, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों जो ये आरसी की टीम है ना स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, दो के दो मैच दोस्तों विन करके आ रही है। लेकिन जो सीएस की टीम है ना बहुत वीक टीम है भाई, बहुत ज़्यादा वीक टीम है, क्योंकि इनके दोस्तों 70-80% प्लेयर तो ऐसे जिनका दोस्तों कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब कल का जो मैच सीएस की टीम खेली थी एक मैच, उसमें आपको पता चल गया होगा मात्र 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, तो आप समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग टीम है। तो यही बात है कि दोस्तों आपको करना सिंपली क्या है कि आरसी के सभी बॉलर को टीम में रखना है आपको, ठीक ना, और यदि आरसी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो आप इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को रख लेना जो ओपन और फर्स्ट राउंड करने आते हैं, और यदि सेकेंड बैटिंग करती है तो फिर आप सिर्फ ओपनर के साथ भी जा सकते हो। और डी कैबरी दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे। फिर नीचे दोस्तों आपको एस कुला सिंगे का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों आपको ओपन बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ आपको एक से दो ओवर बॉलिंग कर लेते हैं। सीएसके दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है इसलिए मैं इनको टीम में बैक कर रहा हूं क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, कोई एक चीज़ करते तो मैं बिल्कुल भी टीम में नहीं रखता। फिर नीचे दोस्तों आपको डी सिल्वा का ऑप्शन मिलेगा जिनको आपको ट्राई करना नहीं है। नीचे से बस ध्यान क्या रखना है दोस्तों, टी सेखना और दोस्तों नीचे से एम अली, यदि ये दोनों प्लेयर खेलते हैं ना तो आपको ये दोनों प्लेयर को टीम में एनी हाउ रखना है, एनी हाउ दोस्तों रखना है, दोनों में से कोई भी खेल जाए। और इस दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एम अली है, यदि ये दोस्तों ये बंदा खेलता है तो ध्यान रखना है इस मैच में आपको 100 रन भी ये स्कोर कर सकता है यदि ये खेल गया, क्योंकि सामने जो टीम है उसका बॉलिंग तो बहुत कमज़ोर है और एम अली दोस्तों जैसा प्लेयर है ना फोर फार के रख देगा यदि खेल जाए तो, ना खेले तो कोई नहीं, जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बस आप उसको टीम में पिक कर लीजिएगा, ओके। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में आप क्या करो, एम ओ टेनी डेफिनेटली होने चाहिए आपकी टीम में दोस्तों, प्रीमियम दोस्तों फास्ट बॉलर है इनका, मैंने कल बॉलिंग देखा था मज़ा आ गया था, बहुत बढ़िया दोस्तों ये आउटस्विंग बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छे बॉलर है, टीम से ड्रॉप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। आइसेन दोस्तों सीएसके दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बोल सकते हो कि टीम के कैप्टन है जो ओपन बैटिंग भी करेंगे साथ ही साथ दो ओवर बॉलिंग भी करेंगे, तो आप इनको टीम में लेके जा सकते हो, ड्रॉप नहीं कीजिएगा। इसे दोस्तों आपको ए सारा चीजें का ऑप्शन मिलेगा जो आपको एक ओवर डेथ में बॉलिंग करेंगे साथ ही साथ फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, टीम में कंसिडर कर सकते हो दोस्तों, मैं बस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलराउंडर का काम कर रहा है। लेकिन इनकी जगह दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यदि आरसी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो डी कैबरी को भी आप टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, डायरेक्ट आप रोटेशन कर लेना, या दोस्तों जो मैंने दो ऑप्शन आपको दिया है एम अली खेलता है तो आप एम अली को टीम में रख लेना, ये वाला रोटेशन बस ध्यान रखिएगा। नीचे जितने भी प्लेयर है प्लीज़ आप उन पर फोकस मत करो, हाँ कोई भी न्यू प्लेयर खेलता है ना तो उनका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा और वहीं पे क्लियर बता दूंगा कैसे टीम में रखना है। इस मैच में दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्लीज़ ग्रेनली खेल लो इस मैच में, क्योंकि इस मैच में दोस्तों आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। देखो दोस्तों इस मैच में आपका रैंक वन भी आएगा ना बड़ा वाला ग्रेनली में, तो ध्यान रखना आप सिर्फ अकेले नहीं होंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है इस मैच में रैंक वन भी आएगा तो आराम से दोस्तों 1000 लोग ला सकते हैं रैंक वन। तो यदि आपका ये सपना है कि यार मेरे को रैंक वन लाना है ग्रैंडलीग में, चाहे 1000 ही क्यों नहीं रैंक वन लाए, तो आप इस मैच में अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि इस मैच में ग्रैंडलीग आराम से आप 1-100 में तो 100% चले जाओगे, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब बात करें दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग कैप्टन बी सी ऑप्शन, कैप्टन दोस्तों मैं बी खान को कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैंने दोस्तों केलू वाला को किया है, ठीक ना। अब जनता वाइस कैप्टन दोस्तों मधुसिंघा को भी कर रही है जो खराब ऑप्शन नहीं है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में वो ज़्यादा सही रहेंगे, ऐसे में दोस्तों कालू वाला ज़्यादा सही है क्योंकि मान के चलो सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करती है
तो हाई चांस इनका बैटिंग ही नहीं है, तो इसलिए मैंने सेफ जाते हुए इनको ट्राई किया है। वहीं आप ग्रैंड लीग में क्या करोगे, ग्रैंड लीग में दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट सोचो, सामने जो कोई नहीं सोच रहा है वो आप क्या सोच सकते हो, मोडिनी को कैप्टन भी सी कर सकते हो, बढ़िया दोस्तों फास्ट बॉलर है, इसका दिन रहा ना तो 5 विकेट ले लेगा, और जनता इसको कैप्टन भी सी कर नहीं रहे, तो आप ग्रैंड लीग में इनको कर सकते हो। आप ई गुलाम पे भी रिक्स ले सकते हो, तब लेना जब दोस्तों आरसी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, बैटिंग सेकंड में ई गुलाम पे आपको गलती से भी रिक्स नहीं लेना है कैप्टन भी सी करके, बैटिंग फर्स्ट में ले सकते हो, और मार्टिनी को दोस्तों बैटिंग फर्स्ट हो या दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट हो सभी में आप ले सकते हो। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, और दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। इस टीम में मुझे उम्मीद है कि सभी प्लेयर खेलेंगे ही, और दोस्तों सभी प्लेयर खेलते हैं तो प्लीज़ आप चेंजेस मत करना। हाँ, यदि कोई प्लेयर नहीं खेलता है और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है उनमें से कोई खेलता है तो फर्स्ट प्रिफ्रेंस आप उन्हें देना, ठीक ना, और मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि आपको फाइनल कॉम्बिनेशन अपडेट करके टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँ। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टी10 के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।